नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, क्या है क्या नहीं है। मैं बता देता हूं कहां छूट है, कहां कड़ाई, कहां कहां है कर्फ्यू भाई। ये सबको जानना चाहिए कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी आम आदमी को उसी संयम और अनुशासन में रहना है जैसे आप पहले से रहते आए हैं। पहले के सारे आपके नियम मालूम है, वो सब नियम वैसे ही रहेंगे कि चार चक्का में नहीं चलना है, मोटरसाइकिल पर दो आदमी को नहीं चलना है, बिना पास के नहीं चलना है, वो सारे नियम हैं। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी छूट दी गई है, अब बहुत सारी दुकानें खुल जाएंगी, कपड़े की दुकान, ड्राई क्लीनिंग की दुकान, फर्नीचर की दुकान, बर्तन की दुकान, साइकिल की दुकान, स्पोर्ट्स की दुकान, उसी तरह से किताबों की दुकान, चश्मा की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, इलेक्ट्रिक की दुकान, राशन की दुकान, बहुत दवा की दुकान, बहुत सारी दुकानें इसमें से पहले भी खुली हुई है। जिला प्रशासन तय कर लेगा कहाँ किस तरह की दुकान की किस इलाके में कितने देर तक क्या खुलने की जरूरत है, और जिला प्रशासन अपने हिसाब से इन दुकानों को खुलेगा। लेकिन आप लोगों को अपने निकट के दुकान में जाना है। पटना सिटी का आदमी आशियाना में मार्केटिंग करने नहीं जाएगा, आशियाना का आदमी कंकड़बाग की दुकान में नहीं जाएगा। लेकिन दुकानों को याद रखिए, केवल 11 बजे से 4 बजे तक ही जाना है आपको, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मुंह में मास्क लगा करके। दुकानों में भी जो बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं, सेल्समैन हैं, मुंह पर मास्क लगा कर रखेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे 11 से 4 बजे तक। लेकिन ये बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो नहीं खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुल रहे हैं, होटल नहीं खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं, जिम्स नहीं खुल रहे हैं, स्विमिंग पूल नहीं खुलना है, इंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुलना है, किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थान, ये सब नहीं खुलने हैं। किसी तरह का धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या किसी तरह का कोई कार्यक्रम, सामूहिक अनुष्ठान नहीं होगा। मंदिरों में पब्लिक के लिए नहीं खुलेंगे, मस्जिदें पब्लिक के लिए नहीं खुलेगी, तवारीख की नमाज भी अपने घर में अदा करनी होगी। मेरे भाई, दुख का विषय है, लेकिन सच यही है कि कोई भी सामूहिक इबादत का कार्यक्रम नहीं होगा, नहीं मंदिर, नहीं मस्जिद में। इसी तरह से परिवहन के बारे में, ऑटो चलेगा नहीं, रिक्शा चलेगा कि नहीं, इसके बारे में बस चलेगी कि नहीं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। परिवहन विभाग अदर से आदेश निकाल रहा है, आप सबको पता चल जाएगा। फिलहाल व्यवस्था ये है कि ट्रेन से जो स्पेशल यात्री आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेन से जो यात्री आ रहे हैं, वो अपने आवागमन के लिए ओला को, उबर को, किसी टैक्सी को स्टेशन से घर तक जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। टैक्सी में 2 से अधिक आदमी नहीं बैठेंगे। बाकी विस्तृत आदेश निकलने वाला है, उसकी आप प्रतीक्षा कर लें। और ऑफिस सारे खुल गए हैं, सरकारी भी, प्राइवेट भी, लेकिन सरकारी दफ्तर में डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर के सारे अधिकारी आएंगे, उसके नीचे के केवल 33% रोटेशन पर प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उनके दफ्तरों में तो सिर्फ 33% ही लोग आएंगे, वो भी रोटेशन पर। इस बात को ध्यान रखना। सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन बनाया गया है, तो रेड जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी जी। कंटेनमेंट एरिया में तो कोई एक्टिविटी जैसे पहले नहीं होती थी, वैसे अभी भी नहीं होगी। तो सब मिला जुला करके ये बात समझ लें कि अभी भी राज्य के अंदर खुली छूट नहीं है कि आप कहीं से कहीं जाएं, और एक जिले से दूसरे जिले के अंदर जाने की तो इजाजत ही नहीं है बिना पास के, बिना सरकार के परमिशन, सरकार में जिला अधिकारी के परमिशन के आप नहीं जा सकते, निजी वाहन का उपयोग भी नहीं कर सकते अपने मन से। तो पूरी तरह से लॉकडाउन उसी तरह से हमने था, बस इतनी सी बात कि 11 से 4 बजे तक कुछ दुकानें खुलेंगी जिसमें आप शॉपिंग के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जा सकते हैं, लेकिन शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू रहेगा, नहीं निकल सकते, पास पर भी नहीं निकल सकते। केवल सरकारी अधिकारी जो इस लॉकडाउन में काम करते हैं वो, या आपातकालीन इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित लोग, वही जा सकते हैं। बाकी आम आदमी के लिए 7 बजे शाम से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है। तो लॉकडाउन के चौथे चरण का सार यही है। आप सबों को मेरा